नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अधिकारियों और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच वार तकरार जग जाहिर है। दोनों के बीच किसी न किसी मामले को लेकर खींचतान मची ही रहती है। चाहे मुख्य सचिव के कथित रूप से पिटाई का मामला रहा हो या फिर ताजा मामला जयदेव सारंगी से जुड़ा हो, सरकार से लेकर विधायक तक सभी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अभी हाल ही में आप विधायक संजीव झा ने दो अधिकारियों के पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी यानी पीसीए में सदस्य बनाए जाने के मामले में मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट में आप विधायक ने बकायदा इसके खिलाफ याचिका भी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करने वाले अफसरों को रिटायरमेंट के बाद पीसीए में सदस्य बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसी मामले में उन्होंने एलजी अनिल बैजल पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा किए बिना ही पीसीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन दो अधिकारियों पर आप विधायक संजीव झा आरोप लगा रहे हैं, उनमें डीआईपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयदेव सारंगी हैं और दूसरे फूड कमिश्नर मोहनजीत सिंह हैं। इन दोनों ही अधिकारियों ने पीसीए के लिए आवेदन किया है। जयदेव सारंगी जहां अगले साल जनवरी में रिटायर होने वाले हैं, तो वहीं मोहनजीत सिंह भी अगले साल जून में रिटायर होंगे, जिसके बाद वो पीसीए के सदस्य बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर आप विधायक ने दोनों अधिकारियों को घेरते हुए सरकारी प्रोजेक्ट्स रोकने का आरोप लगाया है। फूड कमिश्नर मोहनजीत सिंह पर सरकारी योजना राशन की डोरस्टेप डिलीवरी रोकने की कोशिश का आरोप लगाया है, तो वहीं डीआईपी डायरेक्टर सारंगी पर विज्ञापन को लेकर विवाद रहा है, जिस पर मोहनजीत सिंह की ओर से तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। लेकिन जयदीप सारंगी ने आप विधायक पर जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने संजीव झा के ट्वीट पर ही पलटवार करते हुए लिखा है कि निहित स्वार्थों के लिए दुर्भावनापूर्ण और गलत फहमी की बातें फैलाना अपमानजनक है। सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर जोर देने के अलावा मुझे किसी सरकारी परियोजना का विज्ञापन रोकने की कोई जानकारी नहीं है। सच बोलो, मैं जवाब दूंगा। जिस पीसीए के सदस्य बनने को लेकर आप विधायक सारंगी पर निशाना साध रहे हैं, उस पर भी खुद सारंगी ने जवाब देते हुए कहा कि वो उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दो बार क्राइम विशेषज्ञ के तौर पर काम किया है, साथ ही तिहाड़ और गोवा जेल में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। वैसे आपको बता दें, डीआईपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आप सरकार के बीच ये कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले सारंगी 2017 में भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ का नोटिस थमा दिया था। उन्होंने एक महीने के अंदर ये राशि सरकार के खजाने में जमा कराने को कहा था। नोटिस के मुताबिक ये पैसा विज्ञापन के नियमों को दरकिनार करके खर्च किया गया था।